बीते 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में गुरुग्राम में होने वाले मेट्रो विस्तार के कार्य को भी हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद अब जल्द ही गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा। और इसी संदर्भ में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया है कि टीम का गठन हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा, जिससे कि शहर के विकास को गति मिलेगी। गुरुग्राम में देखिए मेट्रो का जो विस्तार का कार्य है वो उसका जो शिलान्यास है प्रोजेक्ट का, वो हाल ही में 16 फरवरी को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की का प्रोग्राम हुआ था रेवाड़ी में, उसमें हो गया है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, लगभग 5,500 करोड़ की इस पर लागत आएगी। और इसमें जो अभी मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है वहाँ से कनेक्ट होके और सुभाष चौक होते हुए ओल्ड गुड़गांव होते हुए वापस से साइबर सिटी में मेट्रो की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो एक तरीके से जो हमारा ओल्ड गुरुग्राम का एरिया है वो भी इससे जुड़ जाएगा। उम्मीद है कि जल्दी ही काम शुरू होगा और इससे सरकार का मानना है, हमारा मानना है कि जो गुड़गांव में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसका भी हल होगा, क्योंकि वो बहुत ही कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगों को मिलेगा और वैसे भी शहर की प्रगति में तरक्की में इससे हेल्प मिलेगी। कि इस मेट्रो से साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। इतना ही नहीं, गुरुग्राम के लोग काफी लंबे समय से इस मेट्रो विस्तार का जो है इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में इस योजना का शिलान्यास कर दिया है तो अब लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इस मेट्रो विस्तार का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। जो ये मेट्रो हमारे नए गुड़गांव से और पुराने गुड़गांव की एक कनेक्टिविटी हो जाएगी, उद्योग विहार क्षेत्र से जुड़ जाएगा, दो एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ जाएगा, बल्कि तीन से एक द्वारका एक्सप्रेस से, इससे बड़ी सौगात हमारे गुड़गांव के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जिससे मेट्रो का प्रस्ताव को मंजूरी देकर पुराने गुड़गांव और नए गुड़गांव की कनेक्टिविटी एक कर दी है, जिससे जाम से काफी राहत मिलेगी, लोगों के आवागमन में कोई बाधा नहीं होगी। ये मेट्रो सबसे ज्यादा ओल्ड गुरुग्राम के लिए बेनिफिट देने वाली है। आपको इस खबर पे क्या कुछ कहना है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।